हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 31 जुलाई तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है आपका रामनामी समाज। रामनामी समाज है, ये हमारे प्रदेश में आपका एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो रामनामी समाज जो है ये हमारे प्रदेश का एक अनुसूचित जाति वर्ग है। देखिए, अनुसूचित जाति, यह जनजाति की बात नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक, रामनामी जो समाज है या रामनामी जो पंथ है, ये हमारे प्रदेश का एक आपका अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, देखिए, ये जो पंथ है, इस पंथ की शुरुआत जो है हमारे छत्तीसगढ़ से ही आपके वर्ष 1890 ईस्वी में आपके परशुराम भारद्वाज के द्वारा माल खरोदा जो कि वर्तमान के आपके जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। इस माल खरोदा में आपके परशुराम भारद्वाज के द्वारा इस पंथ की स्थापना 1890 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, देखिए, ये जो आपका रामनामी समाज है, ये नाम से ही स्पष्ट है, रामनामी मतलब कि राम का नाम। ये जो रामनामी समाज या जो आपका रामनामी पंथ है, ये एक गोदना प्रिय जाति है। ठीक है, एक गोदना प्रिय जाति है जो कि अपने शरीर में राम राम का गोदना गोदवाते हैं। ठीक है, राम राम का यानी कि भगवान राम के ये उपासक है, राम राम का गोदना गुदवाते हैं। देखिए, ये जो आपका समाज है या जो आपका रामनामी जो पंथ है, ये विरोधी है आपके मूर्ति पूजा और मंदिरों के। ठीक है, मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा के विरोधी है। मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजा के विरोधी होने के बावजूद भी ये जो आपका पंथ है, ये आपके भगवान राम के उपासक है। देखिए, एक्चुअली में ये जो पंथ है ये आपके पहले एक दलित वर्ग हुआ करता था। दलित वर्ग जो कि हमेशा आपके उच्च वर्ग के द्वारा हमेशा उपेक्षित किया जाता था। दलित वर्ग को हमारे पूरे भारत भर में, भारत के आपके विभिन्न क्षेत्रों में दलित वर्गों को क्या है, आपके मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी। तो उनमें से जो एक वर्ग आपका ये रामनामी समाज भी था। ठीक है, तो रामनामी समाज ने अपना एक अलग से पंथ बना लिया, रामनामी पंथ। ठीक है, तो इस रामनामी पंथ के लोग जो है, इन्होंने आपके मूर्ति पूजा और मंदिरों में जाना त्याग दिया, ये सीधा के सीधे आपके भक्ति की मार्ग की ओर चलने लगे। भक्ति मार्ग, देखिए, भगवान की भक्ति मंदिरों में जाकर के मूर्ति की पूजा करके की जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे मन से अगर आप भगवान को मानो तो भगवान कहीं भी मिल सकते, ऐसा इनका एक तरीके से इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, भगवान राम के उपासक है, लेकिन मूर्ति पूजा और आपके मंदिरों में जाना, इनमें जो है मंदिरों में जाने के ये विरोधी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये अगर हम रामनामी पंथ या रामनामी समाज की अगर पहचान देखें, तो ये है आपके भजन और आपके जैत खंबा। भजन और जैत खंबा, ये हमेशा आपके भजन गाते हैं, और जैत खंबा एक प्रकार का इनका पूजा स्थान है, जिसे जैत खंबा या आपका जय स्तंभ भी कहते हैं, जिसमें एक मुख्य स्तंभ और चार छोटे छोटे स्तंभ होते हैं। दूसरा, ये राम राम का गोदना गुदवाते हैं अपने शरीर में। तीसरा, राम राम लिखे हुए ये आपके कपड़े पहनते हैं, एक सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं, जिसमें आपके राम 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 करके लिखे हुए रहते हैं। ये आपके सिर पे मोर के पंख के मुकुट पहनते हैं, मोर के पंख के बने हुए मुकुट पहनते हैं, और घुंघरू पहनते हैं पैरों में। तो ये है इनकी कुछ पहचान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनका जो है एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, जिसे ये नाम दिए हैं आपके भजन मेला। ठीक है, भजन मेला, एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका मेले का नाम ही है आपका भजन मेला, जिसमें क्या है आपका, इसमें ये आपके भजन कीर्तन का भी आयोजन करते हैं, जिसमें आपके रामचरित्र मानस के दोहे और चौपाई यहां पर गाए जाते हैं। ठीक है, रामचरित्र मानस के आपके दोहे और चौपाई का जो है यहां पर गायन किया जाता है। देखिए, इनके भी जो है शरीर में गोदना, जो आपके शरीर में जो ये राम नाम का गोदना गुदवा रहे हैं, उसके आधार पर भी इनके नामकरण होते हैं। जैसे कि आपका नख शिख राम नामी, इसका मतलब पूरे के पूरे शरीर में, अगर कोई इनके समाज का कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर के हर एक हिस्से में अगर वो राम नाम का गोदना गुदवा रहा है, तो उसे आपका नख शिख राम नामी के नाम दिया जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे माथे में अगर कोई व्यक्ति राम नाम का अगर गोदना गुदवा रहा है, तो उसे सर्वांग राम नामी नाम दिया जाता है, और केवल माथे में केवल दो शब्द यानी माथे के सेंटर पॉइंट में केवल राम राम करके अगर कोई लिखवा लिया है, तो उसे शिरोमणि राम नामी नाम दिया जाता है। ठीक है, देखिए, इनका जो मुख्यतः जो इनका निवास है, ये है हमारे प्रदेश के मध्य छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ के जिले, मतलब कि आपका जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, बलौदा बाजार और रायपुर। ठीक है, इन जिलों में जो है आपके इन रामनामी समाज या रामनामी पंथ का आपका निवास है। वर्तमान में इनकी आबादी देखी जाए तो बहुत ही कम है, आपके 150 से 170 के आसपास ही इनकी आबादी रह गई है।
अभी आधुनिकता के दौर में जो है इनकी आबादी और कम हो रही है, क्योंकि वर्तमान में जो नई पीढ़ी आ रही है वो अपने पूरे शरीर भर में आपका ये राम नाम का गोदना जो है गुदवाना पसंद नहीं करती, ठीक है, जिसके कारण जो है इनकी आबादी भी आपकी लगातार कम हो रही है। तो ये राम नामी समाज के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लोन वर्राटू अभियान, ठीक है, लोन वर्राटू अभियान। ये लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है हमारे बस्तर वाले क्षेत्र में, जहां पे जो है आपके नक्सली सरेंडर के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। ये जो लोन वर्राटू जो है ये आपके गोड़ी भाषा का, गोड़ी बोली का एक शब्द है। देखिए इस अभियान के अंतर्गत जो पुलिस है, पुलिस जो है वो संपर्क की भाषा गोड़ी को अपना रही है, पुलिस जो है वो संपर्क की भाषा गोड़ी को अपना रही है। देखिए जो हमारे प्रदेश की जो पुलिस है और जो हमारे प्रदेश के जो बस्तर वाले क्षेत्र में जो आपके सैनिक जो तैनात है उनमें और वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के बीच दूरी का मेन कारण है भाषा में अंतर, उनकी बोलियों में अंतर, ठीक है। जो वहाँ के पुलिस है वो आपके हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि वहाँ के जो स्थानीय जो बोलचाल की जो संपर्क भाषा है वो है आपकी गोड़ी भाषा। तो अब क्या हुआ है कि हमारे प्रदेश की जो पुलिस है वो आपके संपर्क की भाषा गोड़ी का प्रयोग कर रही है, ठीक है। जो वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है, स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए, देखिए वहाँ पे जो आपका जो नक्सल क्षेत्र है, तो जो नक्सल क्षेत्र है वो नक्सल क्षेत्र में जो नक्सलाइड है वो अधिकतर जो है ग्रामीणों के ऊपर दबाव बनाते हैं, ठीक है, ग्रामीणों के ऊपर दबाव बनाते हैं, या कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जो है जो आपके नक्सली है वो नक्सली को जो है आपके ग्रामीणों के द्वारा भी कुछ ना कुछ सहयोग मिलता है। इसका मेन कारण है ये जो पुलिस और जो आपके ग्रामीण है, या जो आपके सैनिक और जो आपके ग्रामीण या जो आदिवासी है उनके मध्य जो है बोली है भाषा का अंतर। तो ग्रामीणों का और आपके वहाँ के स्थानीय जनजातियों का विश्वास जीतने के लिए पुलिस क्या कर रही है, संपर्क भाषा गोड़ी को अपनाई है, ठीक है। इस अभियान को नाम दिया गया है आपके लोन वर्राटू अभियान, और इसका परिणाम भी देखने मिल रहा है। अगर आप अभी कंटिन्यू न्यूज़पेपर अगर आप रीडिंग कर रहे होंगे तो अभी बहुत ही ज़्यादा जो है आपके नक्सलाइट अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो अभियान जो चलाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आपका सार्थक सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो ये लोन वर्राटू अभियान ये जो स्पेशली चलाया जा रहा है आपके दक्षिण बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, इन चार जिलों में ये अभियान तह चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संसदीय सचिव। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में आपके 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। देखिए ये जो संसदीय सचिव का जो पद है इसे ध्यान समझिएगा, ये एक असंवैधानिक पद है। असंवैधानिक पद का मतलब संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, ये एक असंवैधानिक पद है। ये जो आपके संसदीय सचिव है इन्हें आपके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं आपके मुख्यमंत्री, ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं आपके मुख्यमंत्री। देखिए ये संसदीय सचिव का पद क्या है, ये जो संसदीय सचिव जो भी आपके मंत्री जिन्हें संसदीय सचिव बनाया जाएगा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, उन्हें जो है कैबिनेट मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल का, ठीक है, कैबिनेट मंत्री का उन्हें दर्जा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो संसदीय सचिव है वो हमारे प्रदेश के जो आपके कैबिनेट मंत्री है उनके कार्यों में सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जो हमारे प्रदेश में जो आपके 13 मंत्रियों के मध्य जो आपके विभागों का बंटवारा हुआ है, जैसे कि आपके टीएस सिंहदेव जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, कवासी लखमा जो कि उद्योग मंत्री है, मोहम्मद अकबर जो कि वन मंत्री है, तो जो मंत्रियों के जो आपके कैबिनेट मंत्रियों के मध्य जो आपके विभागों का जो बंटवारा किया गया है तो उनके विभागों में उनकी सहायता के लिए इन संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो ये जो आपका संसदीय सचिव का जो पद है ये एक आपका असंवैधानिक पद है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसे एक प्रकार से अगर हम इसको बोलचाल की भाषा में बोले तो ये आपका वित्तीय लाभ का पद है, वित्तीय लाभ का पद। देखिए अगर हम देखिए इसको जो भी चीज आपको बताऊंगा इसे किसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा से लेते हुए या बीजेपी कांग्रेस को लेते हुए मत चलिएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो संसदीय सचिव का पद या ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, ये लाया गया जैसे जो भी आपके विधायक है, जो हमारे प्रदेश में जो आपके विधानसभा चुनाव होते हैं और जो भी विधायक चुन करके विधानसभा जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपके कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, कैबिनेट मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल के, जैसे कि एट प्रेजेंट वर्तमान में हमारे प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री के साथ जो है आपके 13 मंत्रियों का दल जो है वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे प्रदेश में विधायक कितने हैं, 90 विधायक। हर कोई विधायक जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाना चाहता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों पाना चाहता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री को अलग फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल जो कैबिनेट मंत्री है वो लाल बत्ती वाले गाड़ी में घूमते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा पुलिस सिक्योरिटी मिलती है और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। तो जो विधायक जो है ये आपके हर कोई विधायक जो है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाना चाहता है।
तो ये जो विधायकों के मध्य क्या है, हमेशा असंतुष्टि की स्थिति बनी रहती है, वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। देखिए 90 विधायक है और हर सभी के सभी 90 विधायक जो है कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, तो हो सकता है बने तो केवल 13 है, लेकिन बाकी कुछ आपके मंत्री ऐसे होते हैं जिनमें असंतुष्ट, यानी कि वो मंत्री जो है वो असंतुष्ट रह जाते हैं, ठीक है। तो उनको एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री का दर्जा, यानी कि संसदीय सचिव के पद पर उन्हें नियुक्त करके आपके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसका अगर एक बेहतरीन एग्जांपल दूं, तो अभी वर्तमान में जो हमारे देश में जो आपके राजनीतिक जो उथल पुथल चल रहा है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में जो आपके रातोंरात आपका कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार आ गई, अभी करंट का जो न्यूज है जो कि आपके राजस्थान में भी आपके बीजेपी और कांग्रेस के जो सीट है वो भी अदला बदली वाला, वहां पे भी आपका हलचल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो वैसा ही आपकी घटना हमारे प्रदेश में घटित ना होकर के जो है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जा रही है, ठीक है। ये एक्चुअल फैक्ट है, ठीक। हमारे प्रदेश के जो विधायक है उनको संतुष्ट करने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जा रही है। देखिए जो संसदीय सचिव है, एक प्रावधान लाया गया था आपका 91वां संविधान संशोधन सन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। इस 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र में या राज्य, केंद्र और राज्य दोनों में जो आपके मंत्रियों की संख्या या आपकी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 15% निर्धारित की गई है, ठीक है। आपके केंद्र में बोलिए या आपके राज्य में बोलिए, अगर राज्य में अगर कोई राज्य सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री कुल विधानसभा सीटों के केवल 15% मंत्री जो है वही आपके कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में आपकी 90 सीट है, 90 विधानसभा सीट है, तो उसका अगर आप 15% देखेंगे तो उसका 15% होता है लगभग आपका 13.5, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे प्रदेश में जो है आपके कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है आपकी 13, ठीक है। लेकिन बहुत से विधायक असंतुष्ट है, तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए उन्हें ये आपके संसदीय सचिव का पद सौंपा गया है, जिन्हें इन 13 मंत्रियों के समान ही उन्हें आपके कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। वो भी लाल बत्ती की गाड़ी में घूमे, उनके भी आसपास जो है थोड़ी सिक्योरिटी कैबिनेट मंत्रियों के समान होगी। जैसे कि आपके टीएस सिंहदेव को जो है उनके विभागों में जो है सहायता करने के लिए 2 संसदीय सचिव उनके साथ अटैच किए गए हैं, ठीक है। वैसे ही जितने भी आपके 13 जो आपके कैबिनेट मंत्री है, 13 कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है आपके एक एक दो दो जो आपके संसदीय सचिव जो है वो नियुक्त किए गए हैं। देखिए रायपुर जो है आपका, रायपुर संभाग से आपके 5 संसदीय सचिव, सरगुजा संभाग से 4 संसदीय सचिव, दुर्ग संभाग से 3, बस्तर संभाग से 2 और बिलासपुर से 1 संसदीय सचिव, ठीक है। तो टोटल 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है, ठीक। तो ये है, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसे राजनीतिक मुद्दे से जोड़ करके नहीं देखना है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ बीजेपी भक्त होंगे, कुछ आपके कांग्रेस समर्थक होंगे, तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाला कमेंट यहाँ नीचे मत करिएगा, जो एक्चुअल फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन सल्तनतकालीन प्राचीन सिक्के, ठीक है। मध्यकालीन सल्तनतकालीन प्राचीन सिक्के, अभी हाल फिलहाल में आपके गोपाल तालाब धमधा ब्लॉक दुर्ग जिला, ठीक है, दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के गोपाल तालाब से आपके मध्यकालीन सल्तनतकालीन प्राचीन सिक्के मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सिक्के हैं ये आपके 17वीं से 18वीं सदी के आसपास के हैं, ठीक है, 17वीं से 18वीं सदी के आसपास के हैं ये आपके सिक्के। देखिए ये जो सिक्के जो है ये आपके भोसले शासक ने उड़ीसा के टकसाल में इन सिक्के को बनाया था। ये जो सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, ये सिक्कों को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सिक्के हैं ये 17वीं से 18वीं सदी के आसपास के हैं, तथा इन सिक्कों को भोसले शासकों ने उड़ीसा में स्थित अपने टकसाल में इन सिक्कों को बनवाया था। इन ये जो सिक्के हैं इनका वजन है आपका 10 ग्राम तथा इसमें से एक सिक्के में आपके अरबी में कुछ लिखा हुआ है, अरबी में एक लेख लिखा हुआ है। अभी फिलहाल इन सिक्कों को आगे की जांच के लिए आपका नागपुर भेजा गया है, ठीक है। नागपुर में इसके परीक्षण के पश्चात ही कंफर्म होगा कि सिक्कों का जो है एग्जैक्ट जो किस सदी के आसपास के ये सिक्के हैं और किस काल के ये सिक्के हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 17वीं से 18वीं सदी के भोसले शासकों द्वारा उड़ीसा के टकसाल में बनाए गए सिक्के हैं, ठीक है, जिनका वजन आपका 10 ग्राम है, तथा इन दो सिक्के, यहाँ पर आपका 2 सिक्के मिले हैं ना, ठीक है, इन दो सिक्कों में से एक सिक्के में आपके अरबी में एक लेख उत्कीर्ण है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कुछ नियुक्तियां, सबसे पहले नंबर पर है आपका खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय कुलपति, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय यानी इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, हमारे एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय। इस संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति अभी
अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुई है आपकी मोक्षदा चंद्राकर। मोक्षदा चंद्राकर जिन्हें हम जानते हैं आपके ममता चंद्राकर के नाम से। ममता चंद्राकर जो कि हमारे प्रदेश की लोक गायिका है, इन्हें अभी आपका खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो आपके ममता चंद्राकर है, इन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इन्हें छत्तीसगढ़ रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो आपकी ममता चंद्राकर है, ये इसी खैरागढ़ आपके संगीत विश्वविद्यालय से ये जो है इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। और इसी में ये जो है अभी हाल फिलहाल में यहाँ की कुलपति बनी है, ठीक है। मोक्षदा चंद्राकर जिन्हें हम ममता चंद्राकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के जो अध्यक्ष है वो बने हैं आपके गिरीश देवांगन। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की जो अध्यक्षिका है वो बनी है आपकी किरणमयी नायक। उसके अलावा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं आपके भुवनेश्वर बघेल। और आपके ग्रामीण एवं ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके दलेश्वर साहू, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, खनिज विकास निगम, छत्तीसगढ़ महिला आयोग, किरणमयी नायक, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर बघेल, ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, ये है आपके दलेश्वर साहू, ठीक है। तो इन सभी नियुक्तियों को थोड़ा याद रखिएगा। और भी जो हमारे प्रदेश के और भी जो विकास निगम है उसमें और भी नियुक्तियां हुई है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए इन सारे जितने भी करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ, ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। हर बार बोलता हूँ आपको कि टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, बोर्ड पर हर चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है। लगभग अगर आप नियुक्तियों में देखेंगे तो जैसे आपका खनिज विकास निगम, महिला आयोग, आपका अनुसूचित जाति विकास निगम, तो ये आपका इसके अलावा भी कम से कम 15-16-20 नियुक्तियां और है, ठीक है। तो सारे चीज़ों को तो बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इनसे रिलेटेड कंटेंट मैं हमेशा टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। तो जो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे CGPSC ई पाठशाला तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अलकनंदा जलप्रपात। अलकनंदा जलप्रपात जो कि स्थित है आपके जशपुर जिले में। जशपुर जिले के इस अलकनंदा जलप्रपात को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा, ठीक है। जशपुर जिले के इस अलकनंदा जलप्रपात को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अलकनंदा जलप्रपात का जो पानी है उसमें मिलता है आपका बैक्टीरियोफेज जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु, ये जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु है ये आपका जो हमारी भारत की जो गंगा नदी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर के जो प्रवाहित होती है जो गंगा नदी, उस गंगा नदी में भी ये जीवाणु मिलता है, बैक्टीरियोफेज जीवाणु। वही जीवाणु हमारे प्रदेश में जो जलप्रपात है अलकनंदा उसमें भी आपको वही जीवाणु मिलता है। इस जीवाणुओं की खासियत क्या है कि जो जीवाणु जिस भी पानी में रहेगा वो जो पानी है उससे कभी बदबू नहीं आता। जैसे कि अगर आप घर में ही आपके घरों में जो आपके नलों में जो पानी आता है उस पानी को आप बॉटल में बंद करके स्टोर करके 10-15 दिन के लिए रख देंगे और 15 दिन बाद उसे खोल करके उसे सूंघेंगे या स्मेल करेंगे तो उसमें बदबू आती है, ठीक है। लेकिन गंगा नदी से जो पानी लाया जाता है यानी कि जो गंगा जल लाया जाता है उसे आप घर में सालों साल स्टोर करके रखिए, उससे कभी बदबू नहीं आता। उसका मेन रीजन है आपका बैक्टीरियोफेज, आपका जीवाणु, ठीक है। तो ये जो आपका जीवाणु है ये गंगा नदी में पाया जाता है और वैसा ही जीवाणु हमारे इस अलकनंदा जलप्रपात का जो आपका पानी है उसमें पाया जाता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय है तो लॉकडाउन के समय जो भी यानी कि इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कुछ अस्थियों को विसर्जन करने के लिए जो है लोग इलाहाबाद या प्रयाग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो आपके जसपुर, सरगुजा या उड़ीसा वाले क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो है अस्थि विसर्जन करने के लिए इस अलकनंदा वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है। इस अलकनंदा जलप्रपात का जो पानी है इसे गंगा नदी के पानी की तरह जो है पवित्र समझा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इसके पानी से संबंधित जो है आपके रिसर्च भी हुए और इससे ये प्रमाणित भी हुआ है कि इसका जो पानी है ये आपके गंगा नदी के पानी के समान ही यानी कि इसमें आपके बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है, इसकी पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। देखिए ये जो आपका अलकनंदा जलप्रपात है ये आपका कैलाश नाथेश्वर गुफा जशपुर जिले में स्थित है, आपका कैलाश नाथेश्वर, ठीक है, कैलाश नाथेश्वर गुफा और आपका संत रामेश्वर गहिरा गुरु कैलाश गुफा। संत रामेश्वर कैलाश
कैलाश गुफा, संत रामेश्वर गहिरा गुरु कैलाश गुफा के समीप स्थित है आपका ये अलकनंदा जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे प्रदेश में अब गठित होगा आपका छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद। हमारे प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में आपका छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष होंगे आपके मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे आपके हमारे प्रदेश के आपके कैबिनेट के संस्कृति मंत्री। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे आपके मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे आपके संस्कृति मंत्री। इसमें सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी। सदस्य, इनमें सदस्य कौन नियुक्त होंगे? आपके अशासकीय क्षेत्र के जो आपके कला और साहित्य से संबंधित जो व्यक्ति है उन्हें जो है इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन किए जाने का मुख्य उद्देश्य है, आपके संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचलित सभी इकाइयों को एक रूप करना। ठीक है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत जैसे कि आपका साहित्य है, कला है, ठीक है, आदिवासी लोक कला है, तो ये सभी को जो है एक ही मंच पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इस आपके छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत आपके किन-किन आपके विभागों को या किन-किन एकेडमियों को शामिल किया गया है, देखिए इसके अंतर्गत शामिल है आपके छत्तीसगढ़ साहित्य एकेडमी, छत्तीसगढ़ साहित्य एकेडमी, छत्तीसगढ़ कला एकेडमी, छत्तीसगढ़ आदिवासी लोक कला एकेडमी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, इसके अलावा है छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी। ठीक है, तो इन सारे एकेडमी जो है वो एक ही मंच के अंतर्गत आएंगे, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, जिसके अध्यक्ष होंगे आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आपका गेवरा कोल माइंस। गेवरा कोल माइंस जो कि स्थित है आपके कोरबा जिले में, कोरबा जिले में स्थित है आपका गेवरा कोल माइंस। ये जो गेवरा कोल माइंस है ये एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कोल माइंस है आपका गेवरा कोल माइंस। ये भी हाल में चर्चा में रहा क्योंकि यहां पर आया है आपका देश का पहला, देश की पहली इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सॉवेल मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सॉवेल मशीन, सॉवेल मशीन मतलब उत्खनन करने वाली मशीन, जैसे कि जेसीबी से उत्खनन किया जाता है वैसे इससे भी आपका उत्खनन होगा। ये जर्मनी से लाया गया है। ठीक है, जर्मनी से लाया गया है देश का पहला इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सॉवेल मशीन, जिसकी क्षमता है आपका 16 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 16 क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है, जर्मनी से लाया गया है और ये देश का पहला आपका इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सॉवे मशीन है। इससे प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि इसमें जो पूरे के पूरे पार्ट्स है ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से बने हुए पार्ट्स है। ठीक है, जिसके कारण जो है इससे प्रदूषण कम होगा या प्रदूषण होगा ही नहीं। ठीक है, ये जो आपकी मशीन है ये लाई गई है आपके जर्मनी से। इसका डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे देश में L&T कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका काजू प्रोसेसिंग यूनिट या आपका काजू प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, काजू प्रसंस्करण केंद्र या काजू प्रोसेसिंग यूनिट ये हाल फिलहाल में खोला गया है आपके बकावंड बस्तर में। ठीक है, बस्तर जिले के बकावंड में जो है आपके काजू प्रोसेसिंग यूनिट या आपका काजू प्रसंस्करण केंद्र आपका खोला गया है। देखिए, ये जो काजू प्रसंस्करण केंद्र है ये हमारे प्रदेश में एक और मौजूद है आपके कोरबा जिले में, कोरबा जिले के करतला में मौजूद है आपका काजू प्रसंस्करण केंद्र। उसके बाद दूसरा खोला गया है आपके बकावंड, बकावंड यानी कि बस्तर जिले के बकावंड में खोला गया है आपका दूसरा काजू प्रसंस्करण केंद्र। दोनों का लोकेशन याद रखिएगा, एक मौजूद है आपका करतला कोरबा और दूसरा मौजूद है आपका बकावंड बस्तर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय ये आपका खोला जाएगा आपके नवा रायपुर में। नवा रायपुर में जो आपका छत्तीसगढ़ आदिम जाति संग्रहालय जो है उसके सामने जो है 10 एकड़ भूमि पर आपके इस शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये जो आपके शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय है जिसमें आपके शहीद वीर नारायण सिंह से जुड़ी हुई या उनसे संबंधित वस्तुओं को रखा जाएगा और साथ ही साथ हमारे प्रदेश में जो आपके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटना घटित हुई है उन घटनाओं का उल्लेख भी इन संग्रहालयों में किया जाएगा। यानी हमारे प्रदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं का उल्लेख, उससे जुड़ी हुई सामग्री, शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित सामग्री जो है वो आपके इस संग्रहालय में रखी जाएगी। यानी कि जो संग्रहालय जो बन रहा है ये आपकी स्वतंत्रता संग्राम में जो घटित हुई घटना है उससे संबंधित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हरिहर भुइयां। हरिहर भुइयां जिसे आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हरिहर भुइयां जो है एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, जो कि आपके वन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक त्रैमासिक पत्रिका है, निःशुल्क पत्रिका है। लेकिन ये मिल कहाँ रहा है ये नहीं पता, ना ही इनके ऑनलाइन वेबसाइट में है, ना ही कहीं है,
बस लॉन्च किया गया है, ठीक है। हरिहर भुइया पत्रिका जो कि वन विभाग से संबंधित एक त्रैमासिक पत्रिका है। नेक्स्ट है आप घोड़ाधार जलप्रपात। घोड़ाधार जलप्रपात जो ये जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात मौजूद है आपके शिशुपाल, शिशुपाल पर्वत श्रेणी पर मौजूद है आपका ये घोड़ाधार जलप्रपात। घोड़ाधार जलप्रपात जिसका जो पानी है आपके शिशुपाल पर्वत से लगभग 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये किस जिले में मौजूद है पूछा जाए तो महासमुंद जिले में। किस पर्वत पर मौजूद है, शिशुपाल पर्वत आपका घोड़ाधार जलप्रपात, ठीक है। देखिए इस शिशुपाल पर्वत से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इस शिशुपाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, शिशुपाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछा जाए तो वो है आपका छेमाकुटी, ठीक है। छेमाकुटी शिशुपाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका छेमाकुटी, ठीक। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। देखिए 15 डेज का आपका करंट अफेयर था, थोड़े बहुत कंटेंट और बचे हुए हैं लेकिन बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो 10 डेज वाला जो हम इतने समय से कंटिन्यू करते आ रहे थे, वैसे ही जो आपका नेक्स्ट आएगा 10 डेज वाला करंट अफेयर, तो उसमें जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाकी हम करेंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।